अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 स्टेज प्रोसेस मॉडल की। जैसे कि हमें पता है कि पिछले कुछ वीडियोस से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ लेते हुए चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट लेक्चर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं रीकैप की बात करूँ तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने 5 स्टेज प्रोसेस मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास 5 स्टेज मौजूद थी, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड एंड एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम 7 स्टेज प्रोसेस मॉडल की बात करें तो नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 7 स्टेज अवेलेबल होती हैं। अब वो 7 स्टेज कौन कौन सी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और ये कंप्लीट मॉडल काम किस तरह से करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये भी डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 स्टेज मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? न्यू, रेडी, रेडी सस्पेंडेड, ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड सस्पेंडेड, रनिंग और एग्जिट। देखो, ये कंप्लीट डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक नई जॉब आती है। अब जब कोई भी नई जॉब आई, इसका मतलब है कि जस्ट बीन क्रिएटेड बट नॉट येट एडमिटेड टू द पूल ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेस। मतलब अभी हमारे पास जो जॉब है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएट हुई है, लेकिन अभी उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि अभी तक वो मेन मेमोरी में लोड नहीं हुई है। अच्छा, न्यू जॉब अगर होने के बाद उसकी 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर वो एडमिट होती है तो आप कह सकते हैं कि वो रेडी स्टेट में जा सकती है, या फिर वो रेडी सस्पेंडेड स्टेट में जा सकती है न्यू स्टेट में से। अच्छा, रेडी स्टेट को तो हमने डिस्कस कर लिया था। बेसिकली रेडी स्टेट वो होती है जहाँ पर आपको ये स्टेट ये बताती है कि जो आपकी जॉब है वो बिल्कुल तैयार है एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो डिस्पैच होगी और रनिंग स्टेट में चली जाएगी। लेकिन अगर वो डिस्पैच नहीं होती, अगर वो सस्पेंड हो जाती है, तो वो रेडी सस्पेंड स्टेट के अंदर चली जाती है। अब रेडी सस्पेंड में से क्या होता है कि या तो आपकी जॉब एक्टिवेट होने के बाद दोबारा से रेडी स्टेट में आती है, या फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अगर एक्टिवेट नहीं होती, सस्पेंड हो जाती है, तो ये रनिंग में जाते हुए एग्जिट में चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 कंडीशंस देखी हैं, एक रेडी सस्पेंडेड और एक रेडी। देखो, रेडी का मतलब था कि हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है हमारी जॉब। अब एग्जीक्यूशन में अगर वो डिस्पैच तैयार होती है, डिस्पैच होती है, रनिंग मोड में जाती है। रनिंग मोड में आपके पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपकी जॉब कंप्लीट एग्जीक्यूट होकर रिलीज हो गई और एग्जिट में चली गई, या फिर अगर वहाँ पर वेटिंग की कंडीशन आ गई, इवेंट वेट में चला गया, तो वो आपकी ब्लॉक में जा सकती है वही जॉब। अच्छा, ब्लॉक में जाने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 कंडीशंस आ रही हैं। ब्लॉक में अगर आपकी जॉब सस्पेंड हो जाती है तो वो ब्लॉक सस्पेंड में चली जाती है, ठीक है, और फिर यहाँ से वही प्रोसेस होता, सॉरी मैंने क्या कहा, ब्लॉक से अगर आपकी जॉब सस्पेंड हो जाती है, वो ब्लॉक सस्पेंडेड में चली जाती है, ठीक है, या फिर आपके अगर इवेंट्स अकर हो जाते हैं तो वो दोबारा से रेडी मोड में आ जाती है। लेकिन रेडी मोड का तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो डिस्पैच होकर रनिंग में जाएगी। अगर आपकी जॉब ब्लॉक सस्पेंड में आ जाती है, तो यहाँ पर भी 2 रीजंस हो सकते हैं, 2 कंडीशंस हो सकती हैं, कि या तो इवेंट्स अकर हो गए, इवेंट्स अकर हुए तो वो रेडी सस्पेंड में जाएगी, और फिर एक्टिवेट होकर रेडी मोड में जाकर डिस्पैच होगी, रनिंग में जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें इवेंट्स अकर नहीं होते, एक्टिवेट हो जाती है, तो एक्टिवेट होने के बाद वो दोबारा से आप कह सकते हैं कि ब्लॉक में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जॉब जो है वो ब्लॉक कंडीशन उसमें एक्टिवेट हो चुकी है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट स्टेट्स दिए गए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने है, उनको उस डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर दिख रही होंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे सामने, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन है ब्लॉक सस्पेंडेड की। ब्लॉक सस्पेंडेड का मतलब क्या है? ब्लॉक सस्पेंडेड मीन्स द प्रोसेस इज इन सेकेंडरी मेमोरी एंड अवेटिंग फॉर एन इवेंट। ब्लॉक सस्पेंडेड में अगर आपकी इवेंट है, तो इसका मतलब कि वो अभी सेकेंडरी मेमोरी में है और इवेंट के लिए वो वेट कर रहा है। लेकिन अगर वो रेडी सस्पेंडेड मोड में है, रेडी सस्पेंडेड स्टेट का मतलब है द प्रोसेस इज इन सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी में है लेकिन इज़ अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए भी अवेलेबल है एज सून एज इट इज़ लोडेड इन टू मेन मेमोरी। आपका जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी मेमोरी में है लेकिन जैसे ही वो मेन मेमोरी में लोड होगा फ़ौरन से एग्जीक्यूशन में चला जाता है, ठीक है। सस्पेंडेड प्रोसेस का मतलब है नीड फॉर स्वैपिंग इनपुट ऑफ मेमोरी, ऑल एडमिटेड प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था सस्पेंडेड मोड में, सस्पेंडेड मोड में हमने सस्पेंडेड मोड में हमारे पास दो हैं, एक रेडी सस्पेंड है और एक ब्लॉक सस्पेंड है। इसका मतलब कि अभी आपकी जो जॉब है उसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी वो सस्पेंड हो चुकी है, अभी तक अभी उसमें कोई आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अभी वो बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। ओके, सस्पेंडेड मोड का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी वो एक्टिवेट नहीं है, ब्लॉक्ड है, सस्पेंड है। अच्छा, यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर सस्पेंडेड प्रोसेस, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर बहुत सारे लोग बोर भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक बात की है 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल की। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू।